हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। भारत का पहला असाइनमेंट जो है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होना है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा दो बड़े बदलाव किए गए हैं भारतीय टीम से रिलेटेड। बड़े बदलाव ये हैं कि पहला जो डिसाइड हुआ था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर दो वार्म अप मैचेस खेलेगी, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 और 18 अक्टूबर को। उससे पहले अब ये डिसाइड हुआ है कि 3 एडिशनल वार्म अप मैचेस खेलेगी भारतीय टीम। उसकी जो डिसीजन होगा वो ICC लेगा फाइनली, और उसके बाद जो टीम्स होंगी वो भी डिसाइड करेगा ICC, और उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये बताई गई है कि ICC ने ये डिसाइड कर लिया, और BCCI के सूत्रों से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल द्रविड़ और लेकर जाएंगे पूरी की पूरी टीम को, यानी पूरे के पूरे स्क्वाड को, साथ में जो स्टैंड बाय प्लेयर्स होंगे वो भी जाएंगे, और साथ में जो नेट बॉलर्स होंगे और साथ में पूरा का पूरा सपोर्ट स्टाफ होगा वो भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के जो 3 एडिशनल मैचेस होंगे वहां पर उनको गेंदबाजी कराई जाएगी, अच्छे तरीके से नेट प्रैक्टिस कराई जाएगी, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मुकाबले खिलाए जाएंगे। उसके बाद जो दो मुकाबले होंगे जो वार्म अप मैच डिसाइड हुए हुए थे पहले से ICC ने करे हुए थे सभी टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप में उतरने से पहले, फाइनल T20 वर्ल्ड कप के उतरने से पहले, उसमें 17 को अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, 18 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। ये सब डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनको यूज्ड टू हो जाए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से, क्योंकि अभी जो भारत का मुकाबला होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 T20 है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को वनडे भी खेलना है, तो भारत में खेलना है वो चीज़। और मुझे लगता है कि खास कोई फायदा नहीं होगा भारतीय टीम को, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसके धुरंधर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी नहीं आए हैं भारत खेलने के लिए, और जो दो बढ़िया ऑलराउंडर होंगे मिचेल मार्श और मार्कस स्टोनिस वो भी नहीं आए हैं, तो हम उसकी तैयारी करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पहले और 3 एडिशनल वार्म अप मैचेस खेलेंगे, और प्लेयर्स उस ऑस्ट्रेलिया का जो एनवायरनमेंट होता है उसके हेड स्पेस में भी अच्छे से अपने आप को डिसॉल्व कर लेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कंडीशंस होती है, जो बाउंसी विकेट्स होती है, वहाँ पर भी अपने आप को वो है ढाल लेंगे प्लेयर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि BCCI ने ये डिसीजन लिया है, और अभी सूत्रों से यही खबर आई है। और साथ में दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि जो T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका भारत आने वाली है 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के, और उसके बाद वनडे सीरीज के लिए, उसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि जो सीनियर भारतीय टीम वो वाला मुकाबला नहीं खेलेगी, और शिखर धवन की अगुवाई में वो वनडे सीरीज खेली जाएगी। T20s खेलेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब जो अभी जो टीम का स्क्वाड है वो सारे प्लेयर्स, और लेकिन जो वनडे सीरीज होगी वो शिखर धवन की अगुवाई में जो टीम होगी वो डिसाइड की जाएगी, और जो कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ नहीं होंगे, वो होंगे VVS लक्ष्मण। तो ये दो बड़ी खबरें थी T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम से जुड़ी, और उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।